हाय दोस्तों, तो आज मैं आपको पम्पकिन लगाना सिखाऊंगा। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए। ये देखिए पम्पकिन का पौधा, ये मैंने बीज से ग्रो किया है। मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इसे मैंने बीज से ग्रो करना सिखाया। ये 4 दिनों का पौधा है दोस्तों, इसे मैं ग्रो करना सिखाऊंगा आपको छोटे से पॉट में, और उसी में फल लेना सिखाऊंगा। इसमें 40 किलो तक का पम्पकिन आएगा दोस्तों। ये देखिए, ये मेरा 7 दिनों का पौधा है। ये 7 दिन बाद का रिजल्ट है दोस्तों। ये पौधा मैंने आपको बीज से लगाना सिखाया है। अब मैं इसे ग्रो बैग में लगाऊंगा। ये सीमेंट का बोरा आप ले सकते हैं, और अपने छत पे ढेर सारा कोहड़ा यानी कद्दू पम्पकिन उगा सकते हैं। तो ये सीमेंट का बोरे में आपको गार्डन सॉइल अप्लाई कर लेना है। इसके बाद ये पौधा देख लीजिए, इसे मैं लगाना सिखाऊंगा। तो चलिए मैं किस तरह का लगाता हूँ वो देख लीजिए। तो इसी तरीके से आपको मिट्टी सॉइल को डिप कर लेना है, और इसमें काऊ डंक, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली सब मिला हुआ है दोस्तों। इसे मैं गार्डन सॉइल में अप्लाई कर लूँगा, और इसके बाद इसमें मैं पौधे लगाऊंगा। और आप अपने टेरेस पे कहीं भी लगा सकते हैं, और ढेर सारा पम्पकिन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे अब पॉट से रिपोर्ट कर लूँगा। ये मेरा पौधा बीज से मैंने बनाना सिखाया, मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अब मैं इसे लगाना सिखाऊंगा। देखिए मैं किस तरीके से निकाल लिया है। इसके रूट ग्रोथ देख सकते हैं आप, कितना अच्छा रूट ग्रोथ है इसका। इसे मैंने बीज से ग्रो किया है, आप भी ग्रो कर सकते हैं, मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये मैं फल लेने का अपडेट दूंगा। मैं पहले मैंने बीज से पौधे ग्रो करने सिखाया था, अब मैं पौधे से फल लेना सिखाऊंगा आपको। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। किस तरीके से इस सीमेंट के बोरे से आप फल ले सकते हैं अपने छत पर। तो ये देखिए मैंने लगा दिया, इसे अप्लाई कर दिया है। ये छोटे से पौधे में आप ढेर सारा फल ले सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो आप देखते रहिए और सीखते रहिए कि छोटे से बोरे में आप छत पे कोहड़ा कद्दू उगा सकते हैं। इसी तरीके से मैं अब इसमें वाटर अप्लाई कर दूंगा, यानी पानी दे दीजिए इसमें। आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है दोस्तों, अभी छोटा पौधा है। तो देखिए मैंने पानी किस तरह का अप्लाई कर लिया। ये देखिए पौधा मेरा, ये 15 दिन का अपडेट है दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा ग्रोथ में है ये। ये 15 दिन का बाद का अपडेट है दोस्तों, ये अब ग्रोथ में है ये। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा 30 दिनों का अपडेट है। ये पूरा 30 दिन हो चुका है, ये 1 महीना का पौधा है दोस्तों। ये देखिए, ये मेरा 35 दिनों का पौधा है। 1 महीना 5 दिन, ये 35 दिन का पौधा है दोस्तों। और ये देखिए, ये 40 दिन का पौधा है। अब इसमें फूल आ चुका है दोस्तों, ये नर फूल है, अभी फीमेल फूल आया नहीं है दोस्तों। तो देखिए ये फूल मेरा नर फूल है, ये देखिए ये सब फूल आने लगा है पौधे में। तो इसी तरीके से ग्रो कीजिए आप छत पे, और ढेर सारा फल लेना सीखिए। ये छोटे से पौधे में देखिए फूल आ चुका है दोस्तों, ये फूल मेरा खिल चुका है। ये देखिए, ये मेरा फीमेल फ्लावर है, इसमें फल आना शुरू हो चुका है। अब इसी तरीके से आप अपने छत पे ग्रो कीजिए। ये देखिए फूल, ये सब फूल आना शुरू हो चुका है। और ये मेरा फल देखिए, ये मेरा फल बनना शुरू हो चुका है दोस्तों। ये देखिए,